हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण, जी हाँ दोस्तों, 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण होने के बाद आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो भी आपके काम में रुकावटें आ रही है वो तुरंत आपकी खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें, सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको इस चीज़ का दान करना है। तो दोस्तों, आइए जानते दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे दान करने से आपके सभी काम बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। ग्रहण के दौरान किए गए दान का फल अक्षय होता है। जिस व्यक्ति को दान का फल मिलता है उसे जीवन में कभी भी किसी तरह का रोग नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान किया गया दान राहु केतु और शनि के गलत प्रभाव को भी सही करता है। कई तरह के किए गए दान जीवन में कल्याण कर सकते हैं और आपको धनवान बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय राहु और केतु जीवन में कई तरह से प्रभाव डालते हैं। ग्रहण के दौरान किया गया दान आपको यश और कीर्ति दिला सकता है। किसी भी ग्रहण में दान करने से हजार गुना ज्यादा फल मिलता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान राहु और केतु की वजह से जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है। तो दोस्तों, राहु और केतु का प्रमुख स्थान पैर माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान जूते का दान करने से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। ग्रहण के दौरान जूते का दान करके आप पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके घर के पितर आपसे नाराज है तो सूर्य ग्रहण के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चमड़े के काले और भूरे रंग के जूते दान करें। इससे आपके घर में शांति और खुशहाली आएगी। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में व्यापार की स्थिति सही नहीं चल रही है या आपके घर लोग बीमारी से परेशान है तो सूर्य ग्रहण के समय काले और भूरे रंग के कंबल का दान करें। इससे आपके घर में बीमारियां दूर चली जाएंगी और रोग मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके घर में आदि जूते चप्पल रखे हैं और आप इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसे भी सूर्य ग्रहण के दौरान दान करने से जीवन की बीमारियां दूर होती है। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय 1 रुपए का सिक्का पूजा स्थल पर रखकर सूर्य भगवान का स्मरण करें और ग्रहण के बाद इसे गंगा जल से धोकर लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आपका सूर्य ग्रहण के पुण्य प्रभाव मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है तो छाते का दान करें। सूर्य ग्रहण के समय अन्न का दान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह आप दान करते हैं तो आपके समस्त काम बनेंगे, यानी कि राहु केतु जो आप पर नाराज है वो तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपके बिगड़े काम अवश्य बनेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम शनि शनिश्चराय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।